हेलो एवरीवन, दिस इज सनर फेफ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आगे बढ़िया रहे। आज हम बात कर जा रहे फ्री फायर से जुड़े कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि ज्ञान गेमिंग ने बरमूडा रिमास्टर मैप के बारे में क्या कहा, देखिए उसमें बताया कि उसमें इस मैप में कितने सारे ग्लिच है, देसी गेमर में रिएक्शन टोटल गेमिंग क्या था, और बहुत से बंदे जब स्पैम करने लगे सुनीता के कमेंट बॉक्स में कि अज्जू भाई तो देखिए उनका रिएक्शन क्या था, और ये बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए ये सारी बातों को जानने के लिए। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान गेमिंग के बारे में। कल वो गेम स्टार्ट कर रहे थे, जब भी गेम खेल रहे अपने लाइफ में तो बार बार उनके सामने बरमूडा रिमास्टर मैप आ जा रहा है। तो देखिए उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। मैप पास किया भाई, ये मैप लिटरली इस मैप को गिरने वालों को देख लो, सही बता रहा हूं भाई। यार साले के सारे लोग प्ले स्टोर में जा रहे हैं, वन स्टोर देना बोल लगे यार, इस मैप को हटाओ यार, टट्टी वाला मैप यार, ग्लिच में भरा भरा हुआ है भाई यार। घर को तो नहीं रहे, मैंने फालतू नहीं लिया, याद नहीं है साला। हर बार रिमैप। आगे बात करेंगे अमित भाई के बारे में, देखिए उन्होंने अज्जू भाई के बारे में क्या कहा और टीम लावा के बारे में क्या कहा। बस मेरे को अज्जू भाई याद, अज्जू भाई गिल्ड चेंज करने वाले सुनने में आ रहा है ना। हां वही तो। आजकल गायब रहते हैं अज्जू भाई, बहुत बिजी है इस टाइम पे। टीम लावा की टीम देख ली, आजकल अज्जू भाई थोड़ा बिजी है। हां वही तो, टीम प्राइवेट करके बैठते हैं ना, समझ रहे मान्या। हां दोस्त सब मोह माया है मान्या, सबसे दोस्त वो सब मोह माया है। ठीक है गाइस, सब लोग एक साथ लाइक कर दो यार, जिसको समझ नहीं आया वो को। जब सुनीता के कमेंट बॉक्स में लोगों ने टोटल गेमिंग अज्जू भाई का नाम लेके स्पैम करने लगे और बार बार स्पैम कर रहे थे, तो देखिए उनका रिएक्शन क्या था। अज्जू भाई को बुलाओ भाई, अज्जू भाई को कहाँ से बुलाओ, बड़े लोग को क्या आप अज्जू भाई से? अरे भगवान कुछ और बात, यू लुक सो नाइस, थैंक यू सो मच। अज्जू भाई आपके बीएफ है, अच्छा है कि नहीं, आप पता कर लो ना। क्या अज्जू भाई से तुम प्यार करती हो? अच्छा क्या मैं अज्जू भाई से प्यार करती हूँ? नहीं पता। आगे बात करेंगे एस गेमिंग के बारे में। जब कल उनके जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एस गेमिंग, उन्हें कमेंट बॉक्स में बहुत से बंदे आके आर आई पी एस गेमिंग करने लगे, तो एस गेम उस पर बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और देखिए उनका रिएक्शन क्या था। एस गेमिंग, अरे नहीं नहीं भाई, जिंदा हूँ भाई, जिंदा हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरेंगे भाई, पता नहीं। एक तो ग्रुप बना के वेट करना, एक तो क्या बोलते फ्री फायर की ये 9 साल के ऑडियंस को इनको पता ही नहीं चलता है ना, मतलब चीजों का पता नहीं होता है। रिप का मतलब होता है कोई मर जाए तो उसके बाद रेस्ट इन पीस उसको तब बोलते हैं, ये लोग किसी को भी बोल देते हैं रिप ये यूट्यूबर उसकी चैट, क्या ही बोले, मतलब मान लिया कि एक तरह 9 साल के बच्चे हो इंग्लिश के बारे में, तो क्या हिंदी भी आप लोग से समझ में नहीं आ पाती अच्छे से? बट ये तो नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे बोलोगे या अपने माँ बाप को ऐसे बोलो कि रिप मम्मी रिप, तो उनको क्या बोलेंगे, थोड़ा उनको शायद पता चलेगा अगर आपके पेरेंट्स, क्योंकि आपके जैसे संस्कार है वैसे लगता नहीं कि आपके पेरेंट्स ने आपको संस्कार दिए, उनके पास भी संस्कार होंगे, तो उनको एक बार बोल के देखो तो वो आपको क्या रिप्लाई करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छी बातें सिखाओ तो आप लोग यार बुरा मान जाते हो, सच बताऊं तो। हर किसी को सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, ये सब चीजें करके कोई फायदा। आगे बात करेंगे नल्ला यस के बारे में, जो ग्लोबल नंबर 1 पे बैठे हुए थे लेकिन अभी वो नंबर 2-3 पे पीछे आ गए हैं, तो उसमें बहुत से बंदे उन्हें कमेंट बॉक्स में कबार में कमेंट कर रहे हैं कि आप 2 पे कहाँ है, 1 पे क्यों नहीं जा रहे, उनके बारे में देखिए उनका रिएक्शन क्या था। क्योंकि गाइज मेरे को कमेंट बॉक्स में बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि यश भाई आप ग्लोबल टॉप 2 पे बैठे हो, जल्दी से ग्लोबल टॉप 1 करो। तो भाई देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले रीजन में जितने टॉप 10 में जितने बंदे बैठे हैं, मतलब मेरे को और अपने अंकुश को छोड़ा के, ठीक है गाइज आप लोग को पता ही होगा मैं आपका भाई मोबाइल में खेलता हूं और अंकुश भाई अपने पीसी में खेलता है, ठीक है। तो हम दोनों बंदों को छुड़ा के जितने रीजन में टॉप 10 में बंदे बैठे हैं, जितने A to Z सबके सब बंदे हैकर लेके खेल रहे हैं, वो भी एक एक हैकर दो दो हैकर लेके खेल रहे हैं। तो गाइज मतलब मैं आपको बता दूं, जो ग्लोबल टॉप 1 पे जो बंदा बैठा है बिट्टू, जो बिट्टू नाम करके बंदा है गाइस, वो बंदा 3-3 हैकर लेके खेल रहा है गाइस, एक हैकर नहीं दो हैकर नहीं 3-3 हैकर लेके खेल रहा है। और नहीं तो गाइस एक और उसमें मैं बात बता दूं गाइस, उसकी आईडी में गाइस डबल रैंक। तो आपको क्या लगता है कि सभी बंदे जो भी पुश कर रहे हैं ग्लोबल नंबर 1 पे पोजीशन पे, जो इतने बैठे हैं टॉप 1 से लेकर 10 तक, तो क्या वो लोग हैकर लेके खेल रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सबसे पहले। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल।